हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सीएनएस, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। दूसरा है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स यानी ब्रेन से निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइन नर्व्स आती हैं। तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपथैटिक और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। तो फ्रॉग का ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये डॉर्सल व्यू है और ये एक सेक्शन है। ब्रेन की यदि हम बात करें तो इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। ये मेनिंजेस होती हैं ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। ह्यूमन ब्रेन में एक एडिशनल मिडिल मेनिंज और होती है एरेक्नॉइड, जो कि फ्रॉग में नहीं होती। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम। इट इज डिविजिबल इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तीन मेजर पार्ट्स हैं, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो कि पेयर्ड है, ऑल्फैक्ट्री लोब्स जो कि पेयर्ड है और डायएनसेफेलॉन जो कि अनपेयर्ड है। यदि हम बात करें सबसे पहले सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर लॉन्ग होते हैं। यह हम देख पा रहे हैं, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है यहां से लेके यहां तक। दीज आर लॉन्ग, नैरो एंटीरियरली एंड ब्रॉड पोस्टीरियरली। इसके अलावा इनमें लेटरल वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स या पैरेलल सील्स मतलब पैरा सील्स भी कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर पोस्टीरियरली फ्यूज्ड होते हैं। ये जो पिछला हिस्सा है यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फेयर फ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑल्फैक्ट्री लोब्स की। ऑल्फैक्ट्री लोब्स भी दो है, टू इन नंबर। ऑल्फैक्ट्री लोब्स एंटीरियर मोस्ट हैं, यानी ब्रेन के सबसे आगे वाले पार्ट में हैं। हर ऑल्फैक्ट्री लोब में कैविटी होती है जो कि राइनोसील कहलाती है। फंक्शन, इनका फंक्शन है ऑल्फैक्शन से रिलेटेड। ऑल्फैक्शन का मतलब है स्मेल, जो कि फ्रॉग में काफ़ी पुअर होता है। अगला है डायएनसेफेलॉन। दीज आर लोकेटेड बिहाइंड द सेरिब्रम। यदि हम डायएनसेफेलॉन को देखें तो ये है थैलेमेनसेफेलॉन या डायएनसेफेलॉन, और इसके अंदर एक कैविटी है, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल। तो यदि इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें तो इट पजेस थर्ड वेंट्रिकल, जिसे डायोसील भी कहा जाता है। इसकी फ्लोर हाइपोथैलेमस बनाता है, और हम जानते हैं हाइपोथैलेमस जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस हुआ। और यदि मेन फंक्शन की बात करें तो इनकी मेन फंक्शन होती है विजन और बैलेंस। कॉर्पस कैलोसम नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ मैमल्स में मिलता है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में है ऑप्टिक लोब्स, और ये ऑप्टिक लोब्स दो होते हैं, इसलिए ये पेयर्ड है। और इट इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके अलावा इसमें एक डक्ट होती है जिसे एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर भी कहा जाता है, दैट कनेक्ट्स
द थर्ड वेंट्रिकल विथ फोर्थ वेंट्रिकल। अब दो ऑप्टिक लोब होने की वजह से इसके लिए एक टर्म दी जाती है, दैट इज कॉर्पोरा बाय जेमिना, और मेन फंक्शन है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। नाउ द नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। यदि हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो उसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक मेडुला ओब्लोंगेटा और एक है सेरिबेलम। सबसे पहले बात करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा की। इट कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड, ये नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड बना करके आगे बढ़ेगा, और इसी में फोर्थ वेंट्रिकल होता है। इट पजेस फोर्थ वेंट्रिकल, जिसे मेटासील भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, क्योंकि इट कंट्रोल्स हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम फ्रॉग में पुअरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि वो एक क्वाड्रीपेड है और बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो अभी तक हमने देखा फोर्थ वेंट्रिकल्स थे ब्रेन में, तीन फोर ब्रेन में, एक भी नहीं था मिड ब्रेन में, और हाइंड ब्रेन के मेडुला में एक। मेडुला कम्स आउट ऑफ द क्रेनियम थ्रू फोरामन मैग्नम एंड कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 10 वर्टिब्रा होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी 10 पेयर्स हैं, और स्पाइनल नर्व्स हैं वो भी 10 पेयर्स हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो है ऑल्फैक्टरी फर्स्ट, सेकंड इज ऑप्टिक, थर्ड ऑकुलोमोटर, फोर्थ पैथेटिक, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्डुसेंस, सेवन्थ फेशियल, एट्थ ऑडिटरी, नाइन्थ ग्लॉसोफेरिंजियल एंड टेंथ इज वेगस। ह्यूमन में 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और 11 होती है असेसरी स्पाइनल और स्पाइनल असेसरी, और 12th होती है हाइपोग्लॉसल। और ये क्रेनियल नर्व्स फ्रॉग में नहीं होती, बाकी 1 to 10 एज इट इज हैं, जो ह्यूमन में भी होती हैं। तो ये था नर्वस सिस्टम फ्रॉग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।